देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, कोसे डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोसे एंड राइट हैंड साइड इज 2 टाइम ऑफ सेकेंट ए। अब देखिए स्मॉलर क्वांटिटी को लेकर चलें और उसको बड़ा बनाना काफी मुश्किल होता है, तो हम बिगर साइड जो भी है उसको लेकर चलते हैं ताकि वहां से उसको शॉर्टन करते हुए ऐसा बनाया जा सके। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसे डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एंड होल प्लस इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोसे। तो देखिए डायरेक्टली हमारे पास ऐसी कोई रिलेशन नहीं नजर आ रही है कि क्या किया जाए क्या नहीं, तो जब भी आपके पास दो रेशनल फॉर्म नजर आ रही है तो ऐसे में यहाँ पर उनको एलसीएम से ही कंबाइन करना ज्यादा बेटर है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देखिए एक तो 1 प्लस साइन ए आ गया और एक कोस ए गया। तो जब एलसीएम लेंगे तो कोस ए न्यूमरेटर में जो कोस है उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया स्क्वेयर। फिर प्लस, अब ये जो 1 प्लस साइन ए है ये इस न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम क्वांटिटी होने की वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वेयर है कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी अगर हम ब्रैकेट ओपन करें ए प्लस बी होल स्क्वेयर से तो कहीं ना कहीं साइन स्क्वेयर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यही करते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वेयर वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो कोस स्क्वेयर ए है वो हमने सेम रखा, प्लस ए 1 स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर ए मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सो 2ab में हमारे पास क्या आएगा, 2 sin a। डिनोमिनेटर को हम फिलहाल सेम रखते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करना बेटर है या इसको सेपरेट रखना ही बेटर होगा। तो उस कंडीशन में आप फिलहाल तो सेपरेट ही रखिए, अगर लास्ट में कहीं फेल होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए तो हम मल्टीप्लाई आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर ये किसके इक्वल होता है, 1। तो पहले आप इन दोनों को साथ लिखकर दिखा दीजिए कि हम इन पर एक साथ काम करने वाले हैं। ये जो प्लस 1 है वो हम यहां लिख रहे हैं और प्लस का 2 sin a ये भी सेम रह गया। डिनोमिनेटर में फिर से वही क्वांटिटी को सेम रखिए, कोस ऑफ ए। तो अभी देखिए कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए ये आइडेंटिटी के थ्रू किसके इक्वल हो जाएगा, 1, और हमारे पास प्लस 1 प्लस 2 sin a ये ऑलरेडी है। ठीक है, डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास फिर से वही रख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2। फिर से अदर पोर्शन कंप्लीटली सेम, ये देखिए यहां से मेरे को तो लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे देखिए न्यूमरेटर में अगर दो टर्म हैं तो दोनों टर्म में दो कॉमन लिया जा सकता है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए। नीचे देखिए हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए। तो बेटर रहना कि हमने इन ब्रैकेट्स को या कोस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसे देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन कोस ए। लेकिन हमें बनाना क्या है, 2 2 हमारे पास है, सही है, सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है और हमें हमारे पास जो मिला हुआ है वो है 1 अपॉन कोस ए। देखिए इन दोनों के बीच हमें रिलेशन ऑलरेडी पता ही है, जो कोस है वो सेकेंट का रेसिप्रोकल ही होता है। इट मीन्स इसको हम न्यूमरेटर में सेकेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। यहां प्रेफरेंस दे दीजिए क्योंकि जो सेकेंट ए होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन cos a के इक्वल होगा। तो ये 1 अपॉन में ही था, आप इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीपल में। ओके, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से ही एक्सप्लेन किया जाए।